आगरा के थाना इत्मादौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी में एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। मामला उत्तर प्रदेश के एक मशहूर परिवार का है। उनकी पुत्र वधु को उनके पिता ने ही अपनी हवस का शिकार बनाया। बताते चले कि पूजा की शादी 2015 में मनीष के साथ हुई थी। पूजा शादी के एक साल बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने पिता के घर गई। वही पूजा को उसके पिता ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता पिछले 5 महीने ही अपने ससुराल वापिस आई थी और अपने साथ हुए मामले को अपने ससुराल जनों को बताया, जहां महिला दरोगा ने अपने रुतबे का फायदा उठाते हुए पीड़िता को एक कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करके उससे पूछताछ करने लगी। पीड़ित ने बताया कि महिला दरोगा जबरन मेरे ससुराल पक्ष के विपरीत बयान करने को बोल रही थी, जबकि पीड़ित ने अपने ससुराल को अच्छा बताया और कहा कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मुझे यहाँ किसी भी तरह की समस्या नहीं है। पीड़िता ने यौन शोषण की कार्यवाही आगरा कोर्ट में डाल रखी है ताकि उसे अपने आमिर बाप से बहस सीपने से छुटकारा मिल सके। पीड़ित द्वारा राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग से लड़ाई न्याय की गुहार। पीड़िता वकील ने कहा कि पीड़िता को पिता से जान का शक खतरा है। पीड़िता की ससुराल में 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पीड़िता की माँ, भाई, भाभी सभी लोगों ने खूब हंगामा किया। दबंग महिला दरोगा ने तो क्षेत्रीय थाना पुलिस को भी हड़का दिया। महिला दरोगा पर तो घूस का भी आरोप लगा कि उसकी मोती रकम ली है, इसलिए यहाँ आकर रौब झाड़ रही है। अब देखना यह है कि पीड़ित को पिता द्वारा शर्मसार हुए उसकी इज्जत को न्याय मिलता है या नहीं। अच्छा, थोड़ा बताइए क्या मामला रहा, क्यों पुलिस आई, कितनी देर उसने पूछताछ करी? वो 2 घंटे से पहले अंदर बनी गई, फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब ध्यान चाहिए तो सबके सामने लो, लेकिन जबरदस्ती हम लोगों पे प्रेशर डाल रही और उल्टी सीधी बकवास कर रही। थप्पड़ चला दिया उसने मेरे ऊपर, फिर और उसके बाद थप्पड़ किसने मारा आपको? वो मैन, जो लेडीज थी, क्या नाम था उसका, लड़की की माँ ने भी मारा आपको और पुलिस अधिकारी ने भी मारा आपको? और जो दरोगा जी है इनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे, इनसे गाली आ रही, गलौज सब कुछ कर रहे हैं। हम कह रहे कि चलो बाहर ले, हमारे सबके सामने ले, लेकिन वो अंदर ही ले रहे, मान ही नहीं रहे। 2 घंटे से पहले, फिर 2 घंटे, फिर अंदर जबरदस्ती प्रेशर डाल के इन पे बोले रहे, जो हमारे जो आए हैं जो लोग, इन्हें तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे, इन्हें गाली पकड़ाई। देखिए ये पूरा मामला, एक तो आप इधर देख सकें तो मेरे बाएं हाथ पे सरोज यादव एडवोकेट बैठी हैं, जिन्होंने पूरी कार्रवाई को, पूजा का बाकायदा वकालतनामा साइन किया हुआ है और पूरी कार्रवाई में जो लीगल प्रोसीडिंग की है सरोज यादव एडवोकेट ने। ये पूरा मसला सेक्सुअल हरेसमेंट का है और अकॉर्डिंग टू पूजा ये पूरा मामला पूजा के साथ जाति का है, और जाति वो जो हम लोग अभी तक टीवी में और उस तरह सुना करते थे कि परिवार में ही किस तरह से सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। पूजा ने जो लिखित रूप से जो कंप्लेन की है उसमें पूजा का कहना है कि जब वो वी फार्मा के एग्ज़ाम देने गई उस दौरान पूजा के फादर ने उसके साथ रेप किया, और चूँकि ये मामला पूरा उजागर कर दिया पूजा ने, जहाँ आप इस समय बैठे हैं, पूजा ने यहाँ अपने पति से जब ये बात उजागर कर दी और जब पूजा ने ये ससुराल अपनी बात कह दी कि मेरे साथ ये जाती हुई है, और वो भी इसीलिए कहा कि ताकि परिवार में जो और उसकी जो लड़कियाँ हैं वो उस पिता की हवस का शिकार ना बने, इस गुड इंटेंशन से जब पूजा ने ये बात बता दी तो ये बात वहाँ उसने फ़ोन पर माँ को भी बताई, पूजा ने अपनी मदर को, अपने मदर ने अपने घर पर फ़ोन करके मदर ने वो बात फादर को बोल दी। अब चूंकि फादर को बोल दी और पूरी बात जब एक निकल के आई कि भाई एक पिता की शिकार है एक लड़की, सीधी साधी लड़की है ना, एक वेल हाईली क्वालिफाइड लड़की जिसने बी फार्मा किया है और जिसको शायद कोई भला फुसला नहीं सकता है ना, जिसने एफिडेविट दिया है इस पूरी कार्रवाई का, ये पूरी इस प्रोसीडिंग की शुरुआत की जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई है, जो प्रधानमंत्री ऑफिस भेजी गई है, गवर्नर भेजी गई है, जो राष्ट्रपति भवन तक गुहार लगाई है पूजा ने कि मेरे साथ मेरे फादर ने रेप किया और मुझे न्याय चाहिए। क्या नाम मैम आपका? हेमलता। हेमलता जी, आपको यहाँ पर किसने भेजा और क्या शिकायत थी? कप्तान साहब की परमिशन से आए हैं जी। इनके पिताजी ने आरोप लगाया कि ये हमारी बेटी को बंधक बना के रखते हैं, नशीला पदार्थ दिलाते हैं और मारपीट करते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पर आपने जो तफ्तीश की, जो लड़की से बात करी, तो क्या पाया? पाया क्या, यही पाया कि प्रेशर में रख रहे हैं इसको। लेकिन इसके ससुराल जब हम लोग यहाँ आए तो 2 घंटे तो गेट ही पे खड़े रहे, गेट ही नहीं खोला इनने। इसके बाद जब ये चौकी प्रभारी आए हैं, क्या नाम इनका, वीरेंद्र सिंह, तब इनने और इनकी ये जो चाचा है तब इनने गेट खोला है। इसके बाद बातचीत नहीं करने दे रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, नहीं बात नहीं कर पाएंगी आप, बात नहीं कर पाएंगी। अच्छा, लेकिन लड़की का कहना है कि मुझे यहाँ पर ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ तो लड़की कह रही ना, वो जब सब लोग कहते हैं उससे तो वो वही कहती है।